साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहा हूं। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उस्मान, बताएगा क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और मौलाना फजल रहमान की उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के लिए फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैं आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप जल्द सेहतयाब होकर एक दफा दोबारा आवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरेंगे। जी जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और मौलाना फजल रहमान की उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के लिए फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैं आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप जल्द सेहतयाब होकर एक दफा दोबारा आवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरेंगे। जी तफसील आपके लिए शुक्रिया उस्मान।